आइए हम लोग पहले भगवान श्री रामकृष्ण देव का ध्यान मंत्र का पाठ करते हैं। हृदय कमल मध्ये राजितं निर्विकल्पं सदसदखिल भेदातीतं एकस्वरूपं प्रकृति विकृति शून्यं नित्यमानन्दमूर्तिं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। निरुपममतिसूक्ष्मं निष्प्रपञ्चं निरीहं गगनसदृशमीशं सर्वभूतादिवासं त्रिगुणरहितसच्चेत् ब्रह्मरूपं वरेण्यं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। वितरितुम् अवतीर्णं ज्ञानभक्ति प्रशान्तिः प्रणयदलितचित्तं जीवदुःखाशरिष्णुं धृतसहजसमाधिं चिन्मयं कोमलाङ्गं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। बड़े आश्चर्य की बात है कि हम उन श्री रामकृष्ण देव की भक्ति कर रहे हैं या उनको भज रहे हैं जो कि उसे गगन सदृशम ईशम आकाश के सदृश है, सर्वभूतादिवासम जितने भी भूत हैं, भूत का मतलब घोष्ट नहीं है, भूत का यहाँ मतलब है पंचभूत बोलते हैं, या जितने भी प्रकार के लिविंग बीइंग्स या नॉन लिविंग बीइंग्स, वो सभी जो हैं उनमें जिनका निवास है वो त्रिगुण रहित। त्रिगुण कौन कौन से हैं? त्रिगुण है सत्व रज और तमः, जैसा कि गीता जी हमको बताते हैं। ये तीन गुणों से संपूर्ण सृष्टि का आविर्भाव, ये तीनों ही गुणों के माइनस प्लस जो रेशियो कम ज़्यादा उसी के ऊपर सारी सृष्टि नाच रही है। तो उन सब के बीच में ब्रह्म रूप है, वो ईश्वर रूप है, वरेण्यम जो पूजा के योग्य है, उसी विमल जो मेरे मन का भी नाश कर दे, जिनको देखने मात्र से मन का नाश हो जाता है, उन परम हंस, हंस जो होता है जीव को, किंतु वो जीव का भी एक परम स्वरूप है जो ईश्वर का स्वरूप है, उस परम हंस की मैं भजना करता हूँ। जो विशाल है वो फिर से सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, बोलते निरुपमम अति सूक्ष्मम निष्प्रपंचम निरीहम, वो इतने सूक्ष्म है और इतने विशाल है, उसको भक्त की भक्ति कितनी पावरफुल है, कहाँ पे लेता है? हृदय कमल मध्य राजितम, वो हृदय जो है मेरा अपना हृदय, भक्त का हृदय। ठाकुर बोलते हैं भक्त का हृदय क्या है? एक बैठक खाना है, ईश्वर का बैठक खाना। सब जगह मेरा सब काम चल रहा है, किंतु एक ऑफिस ऐसा है जहाँ पे मैं जाके बैठता हूँ, तो वो ऑफिस मेरा बैठक खाना। भगवान ने अपना एड्रेस क्या दे दिया? भक्त का हृदय। आइए इस हृदय रूपी रामकृष्ण पंथी के मंगलाचरण का पाठ करते हैं। जय जय रामकृष्ण वांछाकल्प तरु, जय जय भगवान जगतेर्गुरु, जय जय गुरुमाता जगत जननी रामकृष्ण भक्तिदात्री चैतन्यदायिनी, जय जय रामकृष्ण इष्टगोष्ठिगण सवार चरण रेणु मागे अधौ, सवार चरण रेणु मागे अधम। जहाँ भगवान श्री रामकृष्ण देव वांछा कल्पतरु है, जो इच्छा मन में आए
तुरंत पूर्ण हो जाए। ऐसे भगवान हैं जो विश्व के गुरु हैं। और फिर माता की वंदना करते हैं, क्या बोलते हैं, गुरु माता जगत जननी। क्या उनकी उनकी भूमिका क्या है इस पुंथी के अंदर, क्योंकि इस पुंथी को अक्षय कुमार सेन स्वयं माँ श्री श्री माँ शारदा के सामने गा के सुनाए हैं, माँ ने उनको आशीर्वचन दिए हैं। इसलिए बोलते हैं कि माँ को इस गाथा को सुनने में बहुत आनंद हुआ और उनको बहुत आशीर्वाद किया। और वो बोलती हैं कि उन्होंने ही ये सब बातें तुम्हारे पास रख दी हैं, वे ही कृपावश तुमसे ये करवा रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है। तो जब माँ ने ही ये आशीर्वाद दिया है, इसलिए बोलते हैं कि राम कृष्ण गत प्राणा, उनका जो प्राण है, उनका जो मन है, वो राम कृष्ण गत है। उनके अंदर में भगवान श्री राम कृष्ण देव को छोड़ के और कुछ नहीं है। एक बार उनके शिष्य ने एक बार पूछा कि क्या श्री राम कृष्ण ही तुम्हारे सब कुछ हैं, क्या वे ही ईश्वर हैं? तो माँ बोलते हैं हाँ वे ही तो हैं। तो उनके उनसे बोला वो तो तुम्हारे स्वामी हैं, तुम्हारे पति देव हैं, इसलिए तुम बोलते हो कि हाँ उसके लिए भी बोलती हो और वे जगत के स्वामी हैं, परमात्मा है, इसके लिए भी। इसलिए राम कृष्ण भक्ति दात्री, माँ ने बोला है कि इधर और उनमें कोई अंतर नहीं है। जब श्री रामकृष्ण देव के नाम का गुणगान करते हैं तो जो सरस्वती और जो शक्ति चाहिए वे स्वयं है, जो भक्ति चाहिए वे भक्ति कौन किस रूप में है, शारदा सरस्वती के रूप में वो भक्ति स्वरूपिणी श्री श्री माँ शारदा हमें आशीर्वाद वचन करती हैं कि चैतन्यदायिनी। जबकि आप देखते हैं चैतन्य का आशीर्वाद भगवान श्री रामकृष्ण देव काशीपुर में देते हैं, बोलते हैं और तुम सबको क्या बोलो, तुम सबको चैतन्य हो, किंतु उनके शरीर के तिरोधान के पश्चात ये चैतन्य की प्रभा किसके द्वारा होगी, माँ को ही श्री रामकृष्ण देव बोल के गए कि मैंने तो इतना सा किया, तुमको इतना करना है। बड़े आश्चर्य की बात है। वही चैतन्यदायिनी माँ शारदा एक शक्ति के रूप में इस ग्रंथ में विराजित हैं। इसलिए श्री श्री माँ शारदा के लिए बोलते हैं राम कृष्ण भक्ति दात्री चैतन्य दायिनी। अगर वे चैतन्य ना दें तो हमको ईश्वर के दर्शन ना हो। किंतु माँ एक जगह ये भी बोलती हैं वे जगदात्री स्वरूपिणी है, वो दुर्गा स्वरूपिणी है, वे महामाया स्वरूपिणी है। श्री रामकृष्ण देव की एक कथा आती है कि जंगल में श्री राम जी लक्ष्मण जी और माता सीता जी भी सभी जा रहे हैं, तो लक्ष्मण जी राम जी का दर्शन नहीं कर पाते हैं। क्यों? बीच में माँ सीता जी हैं, सीता जी स्वयं जोगमाया स्वरूपिणी हैं। जब तक माँ सीता अपना स्वरूप श्री रामचंद्र जी के स्वरूप को जो ढक के रखा है हटा न ले, तब तक ईश्वर का दर्शन नहीं होता। इसलिए हर एक अवतार में जो उनकी शक्ति रहती है, जब तक वे अपने आवरण को हटा न ले तब तक चैतन्य का दर्शन नहीं होता। इसलिए इस पुंथी के पाठ से पहले शक्ति के जागरण की वंदना की जाती है, शक्ति को जागृत किया जाता है। उसके पश्चात बोलते ईष्ट गोष्ठी गण, जो भी श्री रामकृष्ण देव का नाम करके हैं, जो भी पार हुए हैं, जो उनके 16 सन्यासी शिष्य हैं और अन्य अन्य ग्रही भक्त हैं, और आप लोग भी उसमें अपना अपना नाम जोड़ लो, तो आप सब भी जो हैं, क्यों, माँ ने बोला है मेरा आशीर्वाद वर्तमान में जो है उनके लिए, जो पहले थे उनके लिए, जो अभी आएंगे उनके लिए है, तो वही आशीर्वाद के स्वरूप आप सब भी इसी गाथा में ईष्ट गोष्ठी गण, श्री रामकृष्ण देव के पास में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति हम सभी के लिए उस ईष्ट की गोष्ठी का, उस दल का एक भाग है, उसी का
वो उनके चरणों की रेणु, उनके चरणों की जो स्पर्श की भी जो माटी है अपने सिर पे लगाते हैं। ये है वंदना का सुंदर एक भाव। और संपूर्ण कुंती एक भाव के ऊपर आधारित है, जो भाव यही है कि श्री रामकृष्ण देव को देखने का स्वरूप किस किस प्रकार से उन्होंने देखा, और वही भाव उन्होंने इस कुंती में वर्णन किया। आइए पिछली बार जो है हम लोगों ने जैसा पढ़ा, अवतार के संपर्क में पढ़ा, जहाँ अवतार के बारे में बोला जाता है कि उनकी संख्या सीमित है। कई कई धर्मों में अवतार की बात ही नहीं मानी जाती, बोलते हैं वो अज्ञेय हैं, उनको पाया नहीं जा सकता है ना। कहीं कहीं तो ये भी बता दिया और अवतार आ नहीं सकते। किंतु हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें ये बताया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपने ही कर्मपुंज का एक अवतार है। और स्वामी विवेकानंद बोलते हैं ईच वन इज ग्रेट इन हिज ओन प्लेस, ईच वन इज टाइनी गॉड, सभी उस ईश्वर के ही अंश का ये स्वरूप है। गीता जी भी बार बार इसी चीज़ में विश्वास रखती है, वही बात कि अवतार और भी हैं, आ सकते हैं। ऐसा ही प्रश्न श्री श्री रामकृष्ण देव के मन में आता है जब उनको भैरवी ब्राह्मणी बोल देती है कि वे अवतार के स्वरूप हैं। और ऐसी बात जब वे अवतार के स्वरूप हैं उसकी प्रामाणिकता जब आ जाती है, आने के बाद वे अभी भी चुप नहीं बैठे हैं, क्योंकि जो जगत गुरु होते हैं वे सभी प्रकार के एसिड टेस्ट से, जो बोलते हैं अम्ल के परीक्षण से, अम्लीय परीक्षण, अम्ल अगर हमारे हाथ में डाला जाए तो हाथ जल जाएगा, तो ऐसी हैं परीक्षाएं। जो अवतार पुरुष ऐसी परीक्षाएं दे करके अपने आप को विश्व गुरु के रूप में सबकी शिक्षा प्रद अनुकरणीय उनके जीवन को बना लेते हैं, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वे स्वयं अपने स्वरूप को जान सकें। तो आइए पिछली बार जो हम किए थे उसी का एक बार पाठ करते हैं। पृष्ठ संख्या 25 है, 25 पे देखते हैं। ईश्वर ते श्री प्रभु शास्त्रीय नजीर हार एक साधारणे करिलो जाहिर गात्रदाह निवारणे चेष्टा निरवधि कत कविराजी तेल कतई औषधि आद्यावधि दाह व्याधि होइल नाखुन सवार हयेछे शून्य उपाय तुन साधिका ब्राह्मणी तत्व कहिले सकले ईश्वरानुरागे दाह व्याधि केवा बोले विरहेर दाह इहा शास्त्रे उल्लखित महाभावे श्री राधार श्री अंगे फुटित। तो इस महाभाव के बारे में पिछली बार हम लोगों ने बड़े विस्तार से चर्चा की थी। उसी का ही जब निराकरण हो जाता है उनके अंतर में, ये जब शरीर इसको धारण नहीं कर पाता है, जब महाभाव को धारण नहीं कर पाता है, ईश्वर के भाव को धारण नहीं कर पाता है, जहाँ ये उनके ध्यान मंत्र में हम लोग पढ़ते हैं कि निरुपमम अति सूक्ष्मम निष्प्रपंचम निरीहम गगन सदृशम ईशम सर्वभूता अधिवासम, हम उस परम पिता परमात्मा की आराधना कर रहे हैं जो स्वयं साक्षात विशाल आकाश के रूप में है, इतना सूक्ष्म है कि आंखों से भी नहीं देखा जा रहा है। एक ऐसे परम तत्व की चिंता हम जिसके हृदय में, जिसको हृदय में बैठाने की कोशिश करते हैं, वहाँ ये शरीर जो पंचभूतों से बना उस आधार को कैसे ले सकता है जहाँ ये संपूर्ण सृष्टि जो है उसमें समाई हुई है। बड़े आश्चर्य की बात है। तब उनके शरीर में इस प्रकार के गात्रदाह, जलन, परेशानी, ये सब आने लगती है। तो इसका मतलब यह होता है कि और ये कोई व्यक्ति ईश्वर चर्चा नहीं करेगा। क्यों? कि भाई इसे तो जलन होती है, कष्ट होता है, ये होता है, किंतु ये सब अवतार के लक्षण है। सामान्य व्यक्ति को ये नहीं होता है। सामान्य व्यक्ति को जब कभी इस प्रकार की भावना, चिंता या उद्दीपना होती है तो क्षणिक मात्र होती है, जल के ऊपर बुलबुले के समान होती है। हम लोग अपने आप को देखें
तो क्या होता है, क्षण भर के लिए मन बड़ा ही आध्यात्मिक हो गया, किसी प्रवचन को सुना, किसी पुस्तक को पढ़ा, क्षण भर के लिए इतना ऊपर उद्वेलित हो गया, थोड़ी देर बाद सिर खुजा रहे हैं, अरे उसको तो मैंने ये बोल दिया था, ये बात तो झूठ थी, अगर उसको पता चल गया तो ऐसा करूँ तो फिर से वही प्रपंच में आके फंस गया। कारण कारण ये है, हमारा मन अभी तक इतना पवित्र जो है शुद्धता को धारण नहीं कर पा रहा है, हमारे अंदर में बहुत सारी मिलावटें हो जा रही हैं। तो श्री रामकृष्ण एक मजे की बात बोलते हैं कि ये जो शरीर है, वो अपने शरीर की तरफ बोलते हैं कि जैसे थोड़ा बहुत रजो तमो सत्व ये मिला ही रहता है, हम सभी के ही मन प्राण में कहीं ना कहीं ये मिला ही है, तभी ये शरीर शरीर के रूप में दिखाई देता है। जैसे सोना जो है, पवित्र जो सोना रहता है जिसमें कुछ मिलाया नहीं जाता है, उससे जेवरात नहीं बनते हैं, वही बात है, हमारे मन में विभिन्न प्रकार के विचार जब तक उठते रहते हैं तब तक ये संसार का खेल चलता रहता है, ये संसार की जादूगरी हमको बड़ी आनंद देती है, मजा देती है, किंतु उसके बाद ये जादूगरी जादूगरी नहीं रहती है। ठाकुर बोलते हैं कि जादूगर से दोस्ती कर लो तो जादूगरी का सब तरीका, सब सब चीज़ें स्पष्ट पता चल जाएंगी कि क्या है, तो वही है। तो अभी उनके अंतर में उस जादूगर की सृष्टि जो है वो सब भाव गोपन से क्या होने लगे, ओपन होने लगे। जब सूक्ष्म भाव, विशाल भाव, स्त्री का भाव, पुरुष का भाव, प्रकृति और स्त्री के परे पर का कोई भाव, ये सभी भाव जब एकत्रित होके उसमें हिंडोले लेने लगता है, तो जैसे तालाब में, छोटे तालाब में कोई अगर हाथी घुस जाने के जैसी अवस्था हो जाती है, तो वही अवस्था महाभाव की कुछ हम लोगों ने पिछली बार गोपियों से, राधा रानी से, उनके जीवन में आने वाले भावों से हमने चेष्टा की कि किस प्रकार से ये भाव रहता है और इस भाव का उपशम कैसे होता है, वो भी हमको जो ब्राह्मणी जो है, भैरवी ब्राह्मणी जी, जो उनका नाम जैसे जोगेश्वरी भैरवी ब्राह्मणी, तो वो बताती हैं कि शास्त्र ऐसा बोलते हैं कि ये भाव अवतारों के हैं और ये हर एक व्यक्ति को नहीं होने वाला, तुम साधारण सी इसकी जो इलाज अगर करने जाओगे तो नहीं होने वाला, इसका इलाज धर्म ग्रंथ में, जो भक्ति शास्त्र के धर्म ग्रंथ हैं उनमें मिलेंगे। तो वो सब भक्ति शास्त्र के ग्रंथों को देखती हैं, उसमें से निकालती हैं ऐसा ऐसा, जब श्री चैतन्य महाप्रभु को ऐसा भाव हुआ था तब उनको ऐसा ऐसा किया गया था, श्री रामकृष्ण देव को हो रहा है उनको भी ऐसा करके देखो, तो मथुर बाबू को ही विश्वास नहीं होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बुद्धि, तो बुद्धि में दुर्बुद्धि और सद्बुद्धि दोनों ही है, श्री रामकृष्ण देव की सेवा कर रहे हैं सद्बुद्धि की बात है, श्री माँ काली की सेवा अच्छे से हो ये भी सद्बुद्धि की बात है, दुर्बुद्धि की बात यह है कि उनका मन सभी प्रकार के गुणों और अवगुणों में पारंगत, तो इस प्रकार के व्यक्ति में संशय होना बहुत जरूरी है। अवश्यम भावी आए हैं, उन्हीं संशयों को यहाँ पे लीलामय हरि किस प्रकार से उठाते हैं और किस प्रकार से स्वयं ही उसका विनाश करके, संदेहों को नाश करके वे स्वयं हमारे अंतर में अपने स्वरूप का विकास करते हैं। बोलते हैं, गोपी ज्ञापो रागात्तिका ग्रंथ हैनो विधि, चंदन फूलेर माला केवल औषधि, ब्राह्मणीर कथा सुनी सभी उपहास, विशेषत वर्तमाने मधुर विश्वास। ब्राह्मणी बोलें, उपहास की कारण देखो, तीन दिने व्याधि करी निवारण, एत बोली चंदन मक्खन मक्खन अंगे करे, गेलाय फूलेर माला दियो थरे थरे, साधिका ब्राह्मणी शुधु शास्त्र पठी नाहे, सही सही मत होए जखन जा है। यहाँ इन्होंने थोड़ी व्यंग भी कर दिया, कुंतीकार बोलते हैं साधिका ब्राह्मणी जो है वो एक साधिका है, वो सिर्फ किताबें पढ़ करके, पोथी पढ़, जैसे मूर्ख जो व्यक्ति जैसे पोथी पढ़ पढ़ के लोगों को लेक्चर मारता है वैसा नहीं है, वो क्या है, साधिका है, वो जो बोल रही है वो स्वयं करने का प्रयास करती है, इसीलिए शास्त्र पाठी न है। शास्त्र पाठी जो होता है, जैसे बोलते हैं
कि ठाकुर जी एक कहानी बोलते हैं, एक जन बोलते हैं अरे भगवान का नाम लेने से भवसागर पार हुआ जाता है। तो बहुत अच्छी बात है, भवसागर तो बहुत बड़ा है। वो एक ग्वालिन है जो दूध ला के पंडित जी को देती है, तो दूध जो है देरी से आ रहा है, तो पंडित जी की दूध पीने में देरी होता है, कथा में देरी हो जाती है, गर्म करना है, फिर दूध बनाना है, फिर पियेंगे फिर। तो पंडित जी ने उसको डांटा, उस ग्वालिन को, तुम बहुत देरी से आती है, तुम तो जल्दी आना चाहिए। बोलते नदी, पंडित जी नदी का मैं इतना उफान आया कि मैं नौका नहीं मिलती, ऐसा नहीं होता। ओह, उसको बड़ा कष्ट लग रहा है। तो जिस दिन देरी से आई तो जाएगी भी देरी से, क्योंकि नदी में उफान है तो नौका भी जो है देरी से जाएगी। तो क्या हुआ, पंडित जी की कथा सुन रहे हैं, उसमें वो बोल रहे हैं भगवान का नाम लेने से भवसागर पार हुआ जाता है। और वो बच्ची जो ग्वालिन की बच्ची है उसके मन में ये घुस गया, अच्छा भवसागर का पार, भवसागर, भवसागर तो कैसा होता होगा पता नहीं, किंतु बहुत बड़ी कोई चीज़ होती होगी, तो ये तो नदी है। तो वो देखते हैं कि उसके बाद में वो भगवान का नाम गुणगान कर रहे हैं, वो बड़ी खुश होती है, अरे आज तो पंडित जी से मैं अब पैसा ही नहीं लूँगी, पंडित जी से दूध का पैसा नहीं लूँगी, मुझे तो इतना बड़ा एक गुण दिखा दिया, इतना बड़ा एक मंत्र बता दिया, बस हो गया। अभी क्या है कि वो भगवान का नाम करती है, जाती है, अगले दिन फिर समय पे आ जाती है। पंडित जी देखते हैं आज भी नदी उफान पे, और टाइम पे आ गई, दूसरे दिन भी आ गई, बड़े आश्चर्य के, अरे बेटी तुम इतना जल्दी कैसे आ जा रही हो, अभी तो नदी उफान पे तुम बोलती हो नौका नहीं मिलती है, कैसे हो जाता है। तो बोलते हैं पंडित जी आपने ही तो बताया था कि भवसागर जहाँ भगवान के नाम से पार हो जाता है, तो ये नदी मेरे लिए क्या है, मैंने भी भगवान का नाम लिया और चल पड़ी, देखो मैं तो पार हो जाती हूँ, रोजाना आती हूँ। पंडित जी को बड़ा ऐसा लगता है, माथे में एकदम खुजली, ये कैसे हो गया। अरे पंडित जी आप जो बोल रहे हैं उसमें आपको भी विश्वास नहीं है, चलिए देखते हैं। गए वहाँ पर, और वो छोटी बच्ची जो है ग्वालिन का वो झोला लेकर के, देखिए भगवान का नाम लिया, कट 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 पार होने लगी। पंडित जी आप भी आ जाइए भगवान का नाम लेकर, और पंडित जी अपनी धोती उठा के जैसे गीला ना हो जाए टक 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 पाँव डाल रहे हैं, और उधर से वो बेटी हंसती है कि अरे धोती उठाने से फिर भगवान का नाम पे विश्वास कहाँ रहा, ऐसा है, बड़े मजे की बात है। तो ऐसे ही विभीषण की भी एक बात आती है, जहाँ वो किसी को बोलते हैं कि जाओ ये मैं लिख देता हूँ, तुम पार कर जाओगे, नदी पार कर जाओगे या समुद्र पार कर जाओगे, उनके मन में बड़ा संशय होता है, अच्छा मैं पार तो जा रहा हूँ, बीच में आके संशय हो गया, जब समुद्र पार कर रहे हैं बीच में संशय हो गया, अभी क्या करें। अरे ये क्या है, विभीषण ने एक छोटा सा दिया, रावण का भाई, राक्षस राक्षस कुल का व्यक्ति, थोड़ा सा श्री राम जी की सेवा कर ली तो उससे क्या हुआ, इस पर्ची में लिख के क्या दिया है देखूँ। तो वो पॉकेट से निकाल के देखते हैं, श्री राम, बस श्री राम लिखा है, घप अंदर, क्यों विश्वास खत्म। तो वही है शास्त्र पाठी, हम लोग ऐसे हैं, हम लोग सिर्फ पोंगा पंडित, सिर्फ बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। उसमें भी आता है विवेक चुड़ामणि में, इसमें आता है कि शास्त्र व्याख्यान कौशलम, जो व्यक्ति है कि शास्त्र की व्याख्या की कुशलता के साथ व्याख्या करता है, किंतु खुद के टाइम में 0/0, कुछ भी नहीं है, ना पराठा मिला ना 0 मिला, दोनों ही 0। तो वही हमारी अवस्था है, ऐसा नहीं होना है, जो गुरु ने साधन दिया है उसको अच्छे से गांठ बांध करके अच्छे से करना है। जब ध्यान की बात की है तो दबा के करना है, चलते फिरते उठते बैठते, श्वास आ रही है जा रही है, मन में आ रहा है अभी जाके खिचड़ी पकाऊं या अभी जा करके बच्चे को पढ़ाऊं, हाँ वो हमारे कर्तव्य है, हमें ज़रूर करना है, किंतु वो कर्तव्य जब शुरू होगा, उसका बटन ऑन ऑफ जब होगा, उसके बीच के समय को मैं फालतू चिंता में क्यों बिताऊं, उस समय तो मैं भगवान का नाम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो वही है, वही इसी को बोलते हैं, मैं पूज्य स्वामी गोकुलान जी के पास में ये सुनता था, वो बोलते थे कि हम लोग जो है एनर्जी लीकेज में ज़्यादा विश्वास करते हैं, कैसा है कि हम लोग सोचते हैं जब करने बैठेंगे, वो सोचते हैं सोचते हैं सोचते हैं, अरे जब करना भाई, चलते फिरते करो ना, सोचते क्या है, करता रहे करते रहो, अभी सोच बैठ कर की करना है, बाकी टाइम क्या जप नहीं होता है क्या, चलते फिरते बच्चे लोग क्या वो लेज कुरकुरे खाते नहीं है, चलते फिरते भी खाते हैं, कोई लोग बैठ के खाते हैं, तो भाई वैसे चलते फिरते जब ध्यान जब करना है ना, ध्यान की पद्धति में बैठ करके ध्यान के लिए विशेष आवश्यकता रहती है, किंतु जप ईश्वर के नाम का जप चिंतन जो है
चलते फिरते भी हो सकता है। श्री श्री माँ शारदा देवी बोलते हैं कि वे अपने दिन भर के दिनचर्या में 1,00,000 जप कर लेती थी। बड़े आश्चर्य की बात है, 1,00,000 कहाँ पे देखेंगे, देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं, कैसे हो सकता है। अगर फिर भी जोर लगा कर अगर हम लोग अपने मन को बैठाएं तो भी 1 घंटे में 2,000-3,000 होगा, और भी जोर लगाएं तो 6,000 होगा। थोड़ी देर बाद में कमर दुखेगी, थोड़ा कॉफ़ी पी के आऊँ, ये हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि चलते फिरते उठते बैठते आदत जैसी लग जाए, नशा जैसा लग जाए, तो वो है हम लोग शास्त्र पाठी से उठ के थोड़ा साधन साधक बन पाएंगे। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं कि फिर बोलते हैं, 3 दिन में व्याधि नष्ट हो लो श्री प्रभु विस्तृत सकोले रंगे विशेष मथुर। स्पेशली मथुर बाबू जो हैं बुद्धिजीवी माने जाते हैं और रानी के जामाता हैं, और सब जगह उनकी हाँ हूँ कहती है, इसलिए थोड़ा करेंगे ही ना। अभी मान लो किसी बड़े आदमी के पास जाते हैं, देखिए तो ये ठीक हुआ है ना, ठीक नहीं हुआ, ये ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा, वही बात है। वो हम लोग जब किसी बड़े के पास जाते हैं तो बोलते हैं ना, उसके पास जाएंगे वो कुछ ना कुछ नुक्स निकाल देगा, और वो है ही उसी के लिए। तो यहाँ भी श्री प्रभु माने अवतार के तत्व के बारे में वो कुछ नहीं जानते हैं, किंतु वहाँ उनको नुक्स निकालेंगे, वहाँ उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। यहाँ तक कि वैष्णव चरण की बात को भी उनको स्वीकार करने में कष्ट हो रहा है, यहाँ तक कि भैरवी ब्राह्मणी की बात को भी विश्वास करने में कष्ट हो रहा है। उन्होंने खुद ने बुलाया है, इतने पंडितों को बुलाया किंतु विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, और विश्वास करना भी तो बहुत मुश्किल है। जब तक प्रभु ना बोलते हैं तब तक कैसे विश्वास होगा, नहीं होगा। फिर बोलते हैं, शिशु भावापन्नो प्रभु बालक के प्राय सहजे विश्वासता सवार कथा। ये बड़े आश्चर्य की बात है, हम लोग भी कभी कभी देखें बहुत बड़ी समस्या हो रही हो, कभी कभी बच्चों के मुख से भी ईश्वर के आवाज़ आदेश आ जाते हैं, बच्चों के मुख से भी कभी कभी हम लोगों को सुझाव मिल जाते हैं कि ऐसा करने से अच्छा है। तो ऐसा ही है, श्री रामकृष्ण देव तो स्वयं शिशु स्वभाव है, वे अभी इस मथुर बाबू के विश्वास को बनाने के लिए क्या करेंगे, बहुत सारी लीलाएँ हैं। वे बोलते हैं, श्री मथुरे कोही बारे सुने छे गोसाई, बारो बिना आर अन्य अवतार नहीं। अभी उनको बड़ी आश्चर्य होते, मथुर से जब बातचीत करते हैं, मथुर बोलते हैं मैंने तो सुना है 12 ही अवतार हैं, अब 13वां आप कहाँ से पैदा हो गए, कौन से अवतार हैं आप, ये क्या बात हुई, ये भी बड़े आश्चर्य की बात है। वो बोलते हैं, इधर तो ब्रैवरी ब्राह्मणी बोल रही है, शास्त्र बोल रहे हैं अवतार और भी हो सकते हैं, यहाँ अवतार की बात। अभी कोई मेरे को आके बोले मैं एक अवतार हूँ, वाह मैं तो सज धज के एकदम स्मार्ट हो गई, ये क्या क्या बात है, मेरे को अवतार बोल दिया। अब वहाँ श्री रामकृष्ण देव बोल रहे हैं, अरे इसको अवतार बोल दिया है, बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े आश्चर्य, खुद के लिए ही वो आश्चर्य कर रहे हैं, इसको अवतार बोल दिया। अभी शास्त्र बोल रहे हैं तो मानना पड़ेगा, शास्त्र के प्रमाण को मानते हैं हम, हमारे हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म में प्रमाण लेते हैं, प्रमाण कहाँ से लेते हैं, ईश्वर की वाणी से लेते हैं। तो अभी मथुर इसको नहीं मान रहे हैं, तो वो मथुर के साथ लीला कर रहे हैं। मथुर बोलते हैं मैंने तो केवल 12 अवतार सुने हैं, है ना, ठीक है ऐसी बात है। तो अभी जैसे हम लोग भी अवतार की उस दिन बात कर रहे थे, तो जैसे हम लोग ये ऊपर में मूर्तियाँ जो 10 अवतार की लगी हैं हम लोग मानते हैं, और भी अवतार हो सकते हैं ऐसा भागवत में बताते हैं, वो उस दिन हम लोगों ने उसका पाठ भी किया था। तो ये बात भैरवी ब्राह्मणी के पास में ये संशय को निवारण होता है, तो उनके मन में और भी संशय होता है, अच्छा और भी क्या अवतार होते हैं। अभी इसी अवतार में उस समय एक ऐसी बात थी कि बड़े आश्चर्य की बात आपको लगेगी, उस समय हमारे यहाँ जो अंग्रेज शासक रहे तो उनका प्रभाव इतना था सोसाइटी में, सभी उनके फेवर को पाने के लिए कुछ भी कर लेते थे, यहाँ तक कि कुछ कुछ जो समीक्षा करने वाले लोग हैं वो ये भी बताते हैं कि उस समय जो दुर्गा पूजा हुआ करती थी, उस दुर्गा पूजा में भी वो जो दुर्गा प्रतिमा की जो मुख है वो भी किसी न किसी मेम साहब के मुख से मिला के बनाते थे, क्योंकि वो ऐसे भी गोरी देखने वाली और सुंदरी, उसको ऐसे जो गोरी है उसको ऐसे सुंदरी मान लिया जाता है, बस वो वैसा रूप उसको बना के दिखाते। तो वही बड़े आश्चर्य की बात थी, गुलामी की अवस्था इतनी ज़ोरदार थी कि दुर्गा में भी वो वैसा रूप लाते और उनसे उद्बोधन जैसे करवा रहे हैं, उनसे ओपनिंग करवा रहे हैं, बड़े आश्चर्य की बात है। तो इस प्रकार की दास्ता के बीच में अवतार को कौन मान लेगा, बड़े आश्चर्य की बात, जहाँ ईश्वर का स्वरूप भी अपने
लॉर्ड्स वायसराय या उनके धर्म पत्नियों के रूप में माना जा रहा है, तो ऐसी अवस्था में इस अवतार तत्व को मानना इतना आसान नहीं था। टाइप देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी इनके मन में प्रश्न होता है कि अगर भैरवी ब्राह्मणी ने इस शरीर को अवतार बोला है, इस भाव को अवतार बोला है, तो उन तो अभी अभी जो प्रश्नोत्तर और संशयों के बीच में आने वाले श्री श्री गौरांग महाप्रभु के अवतार को क्या अवतार माना जाए, उनके मन में प्रश्न हो रहा है। तो अवतार के मन में जब प्रश्न होता है तो उसके लिए सृष्टि, इस ब्रह्मांड में सभी उसके चरणों में नतमस्तक ही है, तो उनके उन संशय को निवारण करने के लिए उनको ये दिव्य दर्शन होता है। आप देखेंगे एक छोटी सी पुस्तक है, श्री रामकृष्ण के दिव्य दर्शन बोल के छोटी सी पुस्तक है, यहाँ है कि नहीं देखिएगा, उसमें श्री रामकृष्ण के जितने दिव्य दर्शन उनको मिले हैं वो उसमें संकलित किए गए हैं। तो ये एक दर्शन की प्रक्रिया जो है यहाँ पर दिखा रहे हैं। यहाँ उनको ये दिव्य दर्शन होता है कि श्री श्री चैतन्य महाप्रभु भी अवतार हैं, इसका कन्फर्मेशन इनको मिल जाता है, एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है, प्रस्तुति मिल जाती है कि हाँ वे भी अवतार हैं, चैतन्य महाप्रभु भी अवतार थे। अच्छा आगे बढ़ते हैं। हैनो काले की होइलो सुनो भारता मोहतमो विनाशन रामकृष्ण कथा। अब यहाँ श्री रामकृष्ण देव की जो बात है, आओ सभी सुनते हैं, ये जो लीला है हमारे मन के तमोगुण को विनाश करती है, तमस को विनाश करती है, निद्रा को विनाश करती है, आलस को विनाश करती है, मोहाशक्ति को विनाश करती है। आओ चलो देखते हैं, सुनते हैं। अभी यहाँ से ये नया प्रकरण था जिसकी वार्ता पिछली बार हमने छोटी सी करके छोड़ दी थी। क्या बोलते हैं, एक दिन प्रभु देव भागीरथी तोटे सुनी लेन महारोल कान जाए फटे। इतना जोर से शब्द हो रहा है, इतना जोर से कीर्तन का शब्द हो रहा है। कीर्तन में जैसे होता है, उस दिन जैसे हम लोग बात करते हैं डीजे की बात कर रहे हैं, इतना जोर से शब्द हो रहा है कि छाती फट जाती है। आजकल जैसे डीजे बजता है ना चारों तरफ धमाक धमुक, इतना जोर से बजता है पास से अगर निकलो तो गाड़ी चलाने वाले को लगे गाड़ी हिल रही है, ऐसा करके उसमें आवाज़ आती है। तो वो आवाज़ इनको लग रही है, ऐसी जोरदार कीर्तन की आवाज़ आ रही है भागीरथी से। वे जहाँ रहते थे वहाँ गंगा नदी पास में थी, श्री श्री माँ काली भवतारिणी का मंदिर पास में है, वो वहाँ के पुजारी पद पे हैं, उनके मंदिर के पीछे की तरफ के दालान में उनका कक्ष है, वहाँ पे वो सुन रहे हैं। अरे इतनी आवाज़ कहाँ से आ रही है, कोलाहल के जैसे आवाज़ आ रही है, कोई जैसे शब्द समझ में नहीं आ रहा है। तो वो भागीरथी के तट पे देखते हैं, गंगा जी के तट पे ये कोलाहल आ रहा है। कैसा, गंगार, पृष्ठ संख्या 28 से देखिए, गंगार माझारे, गंगार माझारे उठे तूफानिया जल, गणन मातवारा कीर्तनेर दल। गंगा नदी के बीच में क्या हो गया, दू फालिया जल, जो पानी है, जो गंगा नदी का जो पवित्र जल है, दू फालिया माने दो तरफ बंट गया है, और क्या होता है, अगणन मतवारा, और वहाँ से कीर्तन करने वाले दल के मतवारा के जैसे, पागल के जैसे, एकदम उसमें मत होकर के जो आनंद जब करते हैं, वैसा वैसे एक दल बढ़ा चढ़ा आ रहा है। गायक को बाधक जतो कार नहीं होश, नाचे गाए माझे दूटी सुंदर पुरुष। यहाँ पे ये देख रहे हैं क्या है, गायक गाने वाला, बाधक बजाने वाला। आप देखेंगे जब कभी हम लोग कीर्तन के दल को देखते हैं तो जो खोल बजाता है, खोल बजाने वाला भी क्या गजब से वो उद्धम नृत्य करता है। आसाम जाएंगे या मणिपुर जाएंगे तो देखेंगे कि इस खोल को लेकर के वहाँ के सांस्कृतिक नृत्य हैं, इतना सुंदर नृत्य करते हैं कि समझ नहीं आता है इस खोल को लेकर वो कैसे पूरे हवा में घूमता है और साथ में कीर्तन चलता रहता है। तो गायक बाधक जतो का जतो कार नहीं होश, इतना सुंदर नृत्य हो रहा है, इतना सुंदर भजन हो रहा है कि किसी को होश ही नहीं है। कभी कभी देखेंगे जब यहाँ पे भी बहुत सुंदर भजन होता है, श्री राम जय राम की धुनी चलती है, या श्री कृष्ण के ऊपर में बहुत सुंदर भजन चल रहा होता है, अच्छा तबलिस्ट आया हुआ हो, टक 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 टक, बहुत अच्छा कहरवा बज रहा हो, करताल बज रहा, तो हम लोग भी यहाँ कितने मदमस्त आनंद में हो जाते हैं। इतनी मस्ती नहीं छूती है कि हम लोग और पूरे डूब जाएं, किंतु वहाँ इतनी मस्ती छूट रही है, इतना आनंद हो रहा है, इतनी फुर्ती हो रही है कि किसी को किसी का होश नहीं।
अभी होश नहीं तो फिर कीर्तन कैसे हो रहा है? ऐसा नहीं है, ये होश है अपने शरीर मन प्राण का होश नहीं, कि वो स्वयं ही नाम और नामी अभेद है। जहाँ भगवान का नाम का कीर्तन होता है वहाँ नामी और जो नाम करने वाला वो सब एक हो जाते हैं। श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं ना कि भक्त, भागवत और भगवान तीनों एक हैं। जब भी हम ईश्वर के नाम के साथ गुणगान करते हुए अपना जीवन या अपना क्षण या अपना समय बिताते हैं तो ईश्वर, भक्त और हमारे जो पवित्र ग्रंथ हैं एक हो जाते हैं। वहाँ किसी प्रकार की और वासना, चिंता, इच्छा, मोह, आकांक्षा, तृष्णा, क्षुधा, व्याधि कुछ भी नहीं है, सिर्फ ईश्वर ही है। तो वही यहाँ बोलते हैं होश ही नहीं है, और होश होगा भी कैसे? बोलते हैं नाचे गाए माझे दूटी सुंदर पुरुष, माने जो अवतरण लिए हुए जो महात्मा गण हैं निमाई और निताई, वो चैतन्य महाप्रभु एकदम आनंदमय मस्त होकर के वहाँ कीर्तन का दल है आ रहे हैं सुंदर से। अभी देखेंगे प्रत्येक अवतार में ये एक आकर्षण का एक गुण रहता है, उनका या तो देह आकर्षित करेगी या उनका जो वाणी है वो आकर्षित करेगी या उनकी जो लीलाएं हैं वो आकर्षित, जैसे श्री कृष्ण की सुंदर एक ये बांसुरी वादन उसको सुन के ही सब चले आ रहे हैं, मोहित हो जा रहे हैं, है ना। वह बदन पूरा काला है, काले काले को कोई पसंद नहीं करे, फिर भी उनकी मोहक मधुर वाणी, उनकी मोहक अदाएँ और लीलाएँ जो हैं हमको आकर्षित करती हैं। तो वही है हर एक महापुरुष या हर एक अवतार में ये कुछ ऐसे अंग रहते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट करती हैं, और इस प्रकार से आकृष्ट कर डालती हैं कि अंतर की मोह आसक्ति संसार की पूर्ण रूप से नष्ट कर डालती है। और ये आकृष्ट होकर किस प्रकार क्या होता है, व्यक्ति के होश उड़ जाते हैं। और ये होश कैसे हैं कि ये होश संसार के प्रति बेहोश करके ईश्वर के प्रति होश करता है। स्वामी ठाकुर बोलते हैं मनुष्य वही है, मानुष वही है जिसको होश है, जिसको अपने मनुष्य होने का होश है, जिसको अपने मनुष्य होने का होश है उसको ये भी होश रहेगा कि वे स्वयं, ये मनु अपने स्वयं ईश्वर का ही स्वरूप है। ये होश वहाँ पे सभी को हो रहा है। ये कीर्तन का दल उस होश में डूबा है जो संसार के लिए बेहोशी का स्वरूप है। बोलते प्रभु देव चिनिलेन प्रति जोने जोने लोक जतो एकत्रित आछिलो कीर्तने, वो तो पहचानेंगे क्योंकि वे स्वयं ही उस अवतार पुरुष के रूप में रहे हैं, वे तो पहचानेंगी। बोलते हैं मैं उन सबको पहचान ली, एक दो बार उसमें बोले हैं जो मास्टर मासे, जब हम श्री रामकृष्ण वचनामृत पढ़ते हैं तो मास्टर मासे को भी एक जगह बोलते हैं कि तुमको हमें तुम्हारे हमें देखे थी वही कीर्तन दौले, मैंने तुमको उस कीर्तन के दल में देखा है। वो बार बार वो जो कीर्तन के दल की बात करते हैं वो इस अपने इस दिव्य दर्शन की बात करते हैं। देखेंगे श्री रामकृष्ण बार बार अपने दिव्य दर्शनों की बात करते हैं तो उनका मन जो है चेतना के उस आलोक में आड़ोलित हो रहा है, वो सबसे में उसी कॉन्शियस लेवल पर स्थापित हैं। वो दूसरे लेवल की बात आदमी कर भी कैसे सकते हैं, वो बोलते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जितने भी लोग हैं वे तकिए के अंदर, जैसे बहुत सारी रुई भर के तकिए का रूप अलग अलग हो सकता है, जो उसका जो ऊपर का जो कवर अलग प्रकार का हो सकता है, किंतु अंदर में एक ही तत्व मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है। तो वही बात यहाँ पे इस होश की बात है, वही बात श्री रामकृष्ण देव के मन के चेतना के स्तर की बात है। बोलते हैं प्रभु देव चिनिलेन प्रति जने जने लोक जतो एकत्रित आछी लो कीर्तने, उठी तीरे ताहरे घेरिया कतक्षण नीचे गए पुनः जले होइलो मगन। उनका जो दिव्य दर्शन है कैसे शुरू हुआ, गंगा नदी के बीच में से कीर्तन का दल शोर शराबा आनंद होश आनंद और उस मदमस्त जो बेहोशी है ईश्वर के नाम की उससे आते हैं, और श्री रामकृष्ण की देव के चारों ओर परिक्रमा करता है वो दल आकर के, बहुत सुंदर परिक्रमा कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप आके परिक्रमा कर रहे हैं, और नीचे गए पुनः जले होइलो मगन। और इस दिव्य दर्शन से इनको ये साबित हो जाता है कि चैतन्य महाप्रभु भी एक अवतार पुरुष हैं, और ये दल क्या करता है उस नाच गान आनंद की छटा बिखेरते हुए फिर से भागीरथी में विलीन हो जाता है।
हम देखते हैं कि कभी एक कल्पना कर रहे हैं और हम लोग भी अगर इसको और देखें तो पुराण काल से जिस प्रकार से श्री विष्णु जी के चरणों से इस प्रकार से आती हैं गंगा जी, शिव जी के माथे में आती है, ये भी एक कल्पना कहें या कुछ भी कहें, किंतु बहुत से ऐसे साधक रहे हैं जिन्होंने इन सब रूपों के दर्शन किए हैं। और भागीरथी, आज भी आप गंगा सागर जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि उनकी मूर्तियाँ आज भी स्थापित है जहाँ पे वो गंगा जी जो विलीन होती हैं। बोलते हैं एक भाग जो है पद्मावती के रूप में उधर चले गए बांग्लादेश की तरफ, एक भाग इधर है। तो जो भी है, जो भी कहानी रही हो, गंगा जी जो हैं हमारे हमारी संपूर्ण सभ्यता की साक्षी हैं। कितने आते हैं और कितने जा रहे हैं वो सब भागीरथी के पुण्य सलीला में विलीन होते हैं। और भागीरथी साक्षात ब्रह्म स्वरूपिणी है। श्री रामकृष्ण देव बोलते थे गंगा वारी ब्रह्म वारी। क्यों? कितने महापुरुष आकर के उसमें विलीन हुए हैं, कितने महापुरुष आकर के वहाँ पर स्नान करते हैं, कितने लोग आकर के वहाँ पतित पावन पवित्र हो जाते हैं। तो वो गंगा जी को बोलते हैं ये जो भागीरथी है, ये भागीरथ जो है उन्होंने तपस्या करके कितने लोगों की मुक्ति के लिए इसको बुलाया। और ये मात्र मुक्ति का ही साधन नहीं, अवतारों की लीलाओं का भी ये साधन है। और इसी गंगा नदी के किनारे, भागीरथी नदी के किनारे जो हुगली नदी के रूप में कही जाती है, वहाँ भवतारिणी नदी के किनारे श्री रामकृष्ण देव के रूप में, गदाधर चट्टोपाध्याय के रूप में वहाँ फिर से एक लीला होने जा रही है। इसलिए बोलते हैं गंगा नदी में वो समाहित हो गए। और वही बोलते हैं कि जैसे हम लोग वो रेस देखते हैं ना, जिसमें हर्डल रेस के बाद एक आदमी दौड़ता है, उसके बाद दूसरा उसको वो डंडा पकड़ा के आगे बढ़ता है, वो रेस चलती रहती है। तो वही ये है, भागीरथी नदी दिखा रही है कि वे स्वयं साक्षी हैं इस चीज़ के कि चैतन्य महाप्रभु अवतार पुरुष हैं। और यही लीला फिर से शुरू होती है श्री रामकृष्ण देव के रूप में। ये बड़े सुंदर एक कवित्व रूप वातावरण इसमें इन पर्वत पर आया है। फिर आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं गौरांगा अवतार की ना श्री प्रभु मोने असंभव संद समुदितो होइलो केनु। माने गौरांग अवतार है कि ना, जो चैतन्य महाप्रभु हैं उनका शरीर गौरवर्ण था इसलिए उनको गौरांग भी बोला जाता है। तो गौरांग अवतार की ना, अभी अवतारों की बात हो रही थी जब मधुर बाबू ने बोल दिया 12 अवतार से ज़्यादा और अवतार नहीं है, तो उनको प्रश्न हो रहा है कि चैतन्य महाप्रभु को वो अवतार के रूप में मानते हैं किंतु वो अवतार है कि नहीं, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मथुर बाबू ने बोल दिया, वो बहुत बड़े आदमी हैं, उन्होंने बोल दिया तो उनके मन में प्रश्न हो गया था, किंतु ये संशय यहाँ पूर्ण हो गया। इसलिए वो बोलते हैं गौरांग अवतार की ना श्री प्रभुर मोने असंभव संद। संद यहाँ पे वहाँ की भाषा है जिसमें संदेह को संद बोला गया है, और भी एक जगह आता है। तो असंभव संदेह, ये एक ऐसा संदेह था, कोई मिटाने वाला आदमी नहीं है उसको। और वही समुदित तो होइलो कहने, अभी वो समाहित हो गया, वो संदेह समाप्त हो गया। आगे के पृष्ठ पे आते हैं 29 नंबर पे, बोलते हैं विशेष कारण आछे सुनो सुनो मौन विश्व गुरु रूपे प्रभु ब्रह्म सनातन। ब्रह्म सनातन, जब हम बंगला बोलते हैं तो कई जगह ओ ओ ओ ओ ओ लगाते जाना होता है, जहाँ वह है वहाँ ब ब ब ब करते जाना होता है। तो बहुत सारे इसमें भाषा के सौंदर्य हैं जो मैंने इसमें लाने की कोशिश की है। जैसे हम विशेष बोलते हैं, वहाँ ये शंकर जी का स और षटकोण का स और स, ये सभी एक ही हैं, स हो जाता है वहाँ पे सब। तो चेष्टा की है मैंने उसी भाषा से उस प्रकार का स्वरूप लाने के लिए। विशेष कारण आछे सुनो सुनो मौन, लिखने के समय में जहाँ सुनो सुनो लिखा है वहाँ वो शंकर जी वाला स ही लिखेंगे, किंतु बोलेंगे ये वाला सा। बड़े आश्चर्य की बात है, मैंने कहा अगर ये बोलता रहूँ मेरी हिंदी भी डिस्टर्ब ना हो जाए, कहीं गड़बड़ हो जाएगी। फिर भी भाषा का एक सौंदर्य है, बोलते हैं विशेष कारण आछे सुनो सुनो मौन विश्व गुरु रूपे प्रभु ब्रह्म सनातन। तो अभी उस दिन जब हम पिछली बार जो कक्षा की थी उसमें हम बोल रहे थे आपको कि हमको कहीं जाना है, तो चंडीगढ़ जाना हुआ, वहाँ पर भगवान श्री रामकृष्ण देव के नए मंदिर का उद्घाटन था, तो वहाँ पर ये विषय था विश्व गुरु श्री रामकृष्ण।
तो वो जब मैं इसका, क्योंकि समय तो रहा नहीं, आज ही आकर के आप कहेंगे ये गरम गरम है, अभी 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 निकला है, प्रिंट होके अभी भी आया। तो विश्व गुरु श्री रामकृष्ण के ऊपर वक्तृताएँ थी, उसमें एक बड़े मज़ेदार बात लगी। परम पूज्यपाद स्वामी गौतमानंद जी बोल रहे थे कि हम लोग जैसे देखते हैं कि गीता जी में भी बोलते हैं कि यदा यदा ही धर्म से, जैसे कल जो बात चल रही थी वहाँ विश्व धर्म सम्मेलन का जो हम लोग 125वीं वर्षगांठ मना रहे थे, तो उसमें भी उन्होंने बोला कि धर्म की स्थापना के लिए प्रभु आते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अमुक धर्म, ये अमुक धर्म, ये अमुक धर्म, इसकी स्थापना के लिए ऐसे नहीं है, धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। धर्म माने, कल भी उन्होंने बहुत अच्छे से बोला, उन्होंने काफ़ी अध्ययन करके बोला है कि धार्यते इति धर्म, कि हम जिस वस्तु को धारण करते हैं, जिस भाव को धारण करते हैं, वही हमारा स्वरूप हो जाता है। आप देखिए, जब कभी मन में क्रोध के भाव आएंगे तो न जाने संसार कैसा हो जाता है, सबके प्रति क्रोध आ जाता है। न जाने कभी अगर मान लो जैसे मोबाइल में साइलेंट मोड आता है, वैसे ही कभी कभी किसी का सैड मोड हो गया, मुझे तो कोई देखता ही नहीं, मुझे तो कोई समझता ही नहीं, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसी ही हूँ, वो सैड मोड हो गया, वो बस ये सैड मोड में घुस गई है बात। घर परिवार में आप देखेंगे कि परिवार में भी व्यक्तिगत स्तर पर जब नोकझोंक होती है, मुझे तो आप देखते ही नहीं, आप तो ऐसे ही हैं, अरे मुझे तो पिताजी देखते नहीं है, माँ मुझे प्यार करती है, वो सैड मोड आ गया बस। वो फिर क्या होगा, दुनिया भर की पुरानी जितनी भी बातें कभी गुस्से में रही हैं या कभी किसी को डांट दिया है, पिताजी आपने मेरे को डांट दिया था, पिताजी आपने मेरे को खेलना खरीद के नहीं दिया, वो सारी की सारी लिस्ट उस समय आ जाएगी, गट 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 लिस्ट बन के आ जाएगी। तो हमारा माइंड ऐसा पावरफुल है, वो मोड आ जाता है, वो मोड से निकलने के लिए ही ईश्वर की लीला है, ये अमृत रूपिणी लीला है, ये अमृत वर्षा रूपी लीला है। विश्व गुरु की बात जब आई तो वही बात ऐसे आई कि जो धर्म है वो है धार्यते, हम किस भाव को धारण करते हैं। तो जिस भाव को भी स्वामी जी एक जगह बोलते हैं कि इतनी सब बातों की माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है, कि कुछ पांच बातें भी अगर जीवन में धारण कर लेते हैं तो भी होता है। विज्ञानानंद जी महाराज एक जगह बोलते हैं कि बेटा और क्या तुमको उपदेश दूँ, एक उपदेश तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सत्यम वद धर्मम चर, पढ़ रहे हो कि नहीं, सभी धर्मों में बोलते हैं सच बोलना, भाई कहाँ होता है, सभी पेच पूछ लगा के सत्य का पेश करते हैं ना, तो वही बात है, टेस्टी हो जाता है खाने को। टेस्टी बनाने के लिए माँ कभी नमक डालेगी, कभी काला नमक डालेगी, कभी जीरा डालेगी, टेस्टी बनाने की कोशिश, किंतु असली चीज़ जो है उसके जो असली जो गुण है वो भुना कर तल करके उस सब्जी की हालत ही ऐसी की तैसी करते। वही होता है कि हम लोगों के लिए हम जैसे धर्म का पालन करते करते वो नष्ट कैसे हो गया, नष्ट धर्म नहीं होता है। धर्म के पालन करने वाले या धर्म की व्याख्या करने वाले उसको कहीं ना कहीं किसी और स्ट्रीम की तरफ ले जाते हैं, कहीं और रास्ते की तरफ ले जाते हैं। स्वामी जी भी कल जैसे हम लोग पढ़ रहे थे, कल जो बात कर रहे थे वो यही बात थी कि दुनिया भर में जितने भी मानवों के ऊपर में अत्याचार हुए हैं उसमें लेखनी और धर्म, ये धर्म के नाम पे की जाने वाली व्याख्याओं के कारण सबसे बड़ा नुकसान मानव सभ्यता को लेना पड़ा। कल जैसे वो बोल रहे यहूदी संप्रदाय, हिटलर ने कितने लाखों लोगों को, यहूदियों को गैस चैम्बर में मार डाला, किस लिए, धर्म के नाम पर। गैलीलियो, और इनकी बात करें कि वो बोले कि पृथ्वी गोल है, नहीं, हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा है पृथ्वी चपटी है, मार डालो, बस हो गया। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। अरे और भी मजे की बात है, जिस धर्म की व्याख्या हम यहाँ इस जगत में कर रहे हैं उसी प्रकार से धर्म की व्याख्या करने वाले दूसरे महात्मा दूसरे जगत में रहें, दूसरे किसी देश में रहें, वो उल्टा ही बढ़ा रहे हैं और वो उसको धर्म बोल रहे हैं। मनुष्य भ्रमित होगा कि नहीं, मनुष्य भ्रमित हो जाता है, इसीलिए अवतार की आवश्यकता है। श्री स्वामी रंगनाथानंद जी महाराज जो हमारे अध्यक्ष रहे हैं, महाराज जी बोला करते थे, बड़े मजे की बात बोलते थे, डू यू नो इन आवर रिलीजन वी डोंट हैव एनी फैमिली प्लानिंग, ऑल गॉड्स कम्स अगेन एंड अगेन, बट अदर्स दे आर स्टिल इन दैट स्टैग्नेंट प्लेस विद दे डोंट अलाउ अदर्स टू कम अगेन। बड़े आश्चर्य की बात है, तो क्या हमारे भगवान ने क्या फैमिली प्लानिंग की है, फिर से आएंगे, फिर से अवतरण होगा, फिर से नई आने वाली पीढ़ी को नया ज्ञान प्राप्त होगा। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो अवतार के तत्व को जब पढ़ते हैं जानते हैं तो सुनने समझने को आगे बढ़ने में आती है।
विशेष कारण आछे, सुनो सुनो मन, विश्वगुरु रूपे प्रभु ब्रह्म सनातन। वहाँ एक और बात ये मेरे को बोलने की थी कि यहाँ बोलते हैं स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। स्थापकाय च धर्मस्य, स्वामी विवेकानंद जी स्वयं इस मंत्र का उद्घाटन किए हैं, बोलते हैं स्थापकाय च धर्मस्य, धर्म की स्थापना करने के लिए श्री रामकृष्ण देव जो अवतार वरिष्ठाय, सभी अवतारों में जो वरिष्ठ हैं, भाई हम अगर मान लो अगर नई तकनीक अपनाते हैं तो पीछे की तकनीकें उनसे भी हम ऊंची तकनीकें लेने की कोशिश करते हैं, तो वही है, उन्होंने इस तकनीक में, इस अवतार तकनीक में कुछ वरिष्ठ भाव देखा तभी वो बोलते हैं। और यहाँ एक मजे की बात यह है कि धर्म की स्थापना करने के लिए इसका अर्थ ये भी हो गया, श्री राम कृष्ण देव के आविर्भाव से सभी धर्मों को बल मिलता है, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो सिख हो, चाहे किसी भी प्रकार से पूजा अर्चना करने वाले उपासक को श्री रामकृष्ण देव के जीवन में कहीं ना कहीं वो भाव मिल ही जाता है, जिससे उनको अपने पथ को और मजबूती से ग्रहण करने की शक्ति मिलती है। तभी बोलते हैं कि स्थापकाय च धर्मस्य, इसमें ये नहीं बोला है स्थापकाय च और हिंदू धर्म एवस्य, नहीं, केवल एव नहीं लगा है उसमें, ओनली हिंदू नहीं लिखा है, ओनली मुस्लिम नहीं लिखा है, ओनली इस्लाम नहीं लिखा है, या ओनली कुछ ऐसा नहीं है, धर्म की स्थापना है ये। धर्म की स्थापना, कई लोग बोलेंगे ये मानव धर्म है, कई लोग बोले वो धर्म है, ये धर्म है, किंतु धर्म के नाम लेने मात्र से हम तीन चीज़ें मुझे समझ में आती है, जो ये है कि मैं हूँ, संसार है, और इसके अलावा भी अगर कोई है तो ईश्वर है, इन तीनों के बीच का संपर्क ही धर्म है। बाकी चीज़ें उसकी व्याख्या है, बाकी चीज़ें मेरे अपने समझने की, माइनस और प्लस, अच्छे से समझा माइनस को हमने प्लस बना लिया, अच्छे से नहीं समझा तो जो है उससे भी हम व्याभिचार में डूब गए और नीचे चले गए। तो वही है विश्व गुरु का काम, बोलते विशेष कारण आछे, इसीलिए कारण है। और एक बात मजे की है, कुछ कुछ स्वामी जी लोग बोला करते थे कि श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद के जीवन चरित्र, उनकी वाणी को पढ़ने वाले व्यक्ति को धर्म के नाम पे कम से कम कोई उनको उल्लू नहीं बना सकता। बड़े आश्चर्य की बात है कि अगर हम उनके जीवन चरित्र को पढ़ते हैं तो हम लोगों को कम से कम इसमें मूर्ख होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी बातें हैं जहाँ हम लोग अपने परिवारों में देखते हैं कि माताएँ या बूढ़ी माएँ बोला करती थी कि अरे शाम के समय झाड़ू नहीं निकाला जाता, वो प्रेतनी आ जाती है, भूतनी आ जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, ये उनके कहने का कारण के पीछे में कोई उनका तथ्य हमको समझ में नहीं आता, किंतु अगर धर्म के विषय में अच्छे से समझ में आए तो ज़रूर हम ये समझ सकते हैं, हमारे विज्ञान के आधार पर हम समझ सकते हैं कि उस समय में इस प्रकार का कार्य करने से अंधकार में हमको भी कष्ट हो सकता है, अंधकार में हो सकता है जीव जंतु वहाँ उनको कष्ट हो सकता है। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें हैं जो हम घर परिवार में सुनते आ रहे हैं, अगर आप लक्ष्य देख के सुने, देखें, समझें तो पता चलेगा कि इनका कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी जगह में एक ऐसा आधार है जो आधार हमारे कई सालों से पुरखों की थाती के रूप में चला आ रहा है, और उसी को आधार को और मजबूत करने के लिए विश्व गुरु का कार्य रहता है। कि वो बोलते हैं वो ब्रह्म सनातन, वो ब्रह्म स्वरूप जो सनातन है। हिंदू धर्म के बारे में बहुत सारी बातें आती हैं, स्वामी जी भी इसमें प्रश्न करते हैं, बोलते हैं हिंदुत्व, हिंदुत्व का अर्थ पूरे भारतवर्ष से भी लिया जाता है, उस समय अखंड साम्राज्य में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वासी वाली बात ही नहीं थी, वो पूरे हिंदू राष्ट्र के रूप में बोला जाता था। आज जो है हिंदू बोल के एक छोटी सी कम्युनिटी के रूप में बोल दिया जाता है, और हिंदू धर्म के जगह हमारे शब्दों में, हमारे शास्त्रों में आती है सनातन सत्यों का पालन करने वाले, सनातन धर्मावलंबी। तो हम सभी सनातन धर्मावलंबी हैं, जब तक सनातन सत्य इस जगत में स्थापित हैं हम सभी सनातन सत्यों के धर्मावलंबी हैं। तो ये बात यहाँ बार बार आती है कि वे स्वयं सनातन स्वरूप हैं और ब्रह्म स्वरूप है, इसलिए विश्व गुरु का रूप है प्रभु में। बोलते जीव ही तो एक व्रतो सतत अंतरे जैव भावे आचरण जीवेर उद्धारे, भाबा चिंता करा कर्म लीला जीवने
एक लक्ष्य आपनार उद्देश्य साधने स्वेच्छाए संदेह जुक्त मने आपनार स्वेच्छाए परेण मुक्त खेलिया आबार। ये मैंने थोड़ा डार्क कर दिया, बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं, इन्होंने कवित्व की बहुत उच्च चिंता उन्होंने इसमें डाल दी है। बोलते हैं जीव ही तो एक व्रतो सततो अंतरे, जो अवतरण लेते हैं जो अवतार पुरुष होते हैं उनके हृदय में जीव के हित का ही अंतर में उद्देश्य रहता है, इसलिए उनका आचरण भी वैसा ही होता है। भावा चिंता करा और सोच समझ के ही काम करते हैं। कर्म लीलार जीवों ने एक लक्ष्य अपनार उद्देश्य साधन है, उनका एक ही है लक्ष्य, एक ही उद्देश्य है कि किस प्रकार से प्रत्येक जीव का जीव की उन्नति हो। भावना चिंता करा कर्म लीलार जीवों ने एक लक्ष्य अपनार उद्देश्य साधन है। अभी यहाँ बहुत सुंदर पंक्तियाँ आ रही हैं, मुझे बड़ी अच्छी लगी। अवतार के लिए क्या है, स्वेच्छाए संदेह जुक्तो मने आपनार स्वेच्छाए करें मुक्तो खेलिया आवार। ईश्वर की इच्छा रहे तो एक झटके में, अब जैसे हम फिल्म देखने जाते हैं तो फिल्म में जो रोल एक एक्टर निभाता है, किसी का भाई है, कोई किसी की बहन है, कोई किसी की पत्नी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, वही व्यक्ति फिर से दूसरे में एक्टिंग करता है, दूसरा दिखाता है, ये करता है, वो करता है, तो बड़े मज़े की बात है कि वो इतने मज़ेदार एक्टर है भगवान कि समझने नहीं देते हैं कि वे हमारे सामने में हैं, और वे चाहें तो एक झटके में बता सकते हैं, अपना रूपिया बहरूपिया उतार के दिखा सकते हैं, देख भाई ईश्वर ये है। और वे इसीलिए लोगों को संदेह में रखते हैं, किस लिए, जितने बहरूपिया रहे उतना खेल जमता है, मज़ा आता है ना। तो वही है, तो अवतार वरिष्ठ है, जैसे श्री रामकृष्ण देव इसके लिए अवतार वरिष्ठ कैसे बोलते हैं, जैसे आप देखेंगे कि मान लो आप ड्रामा करने वाले हैं या आप एक्टर हैं, तो हो सकता है एक एक्टर ने किसी फिल्म में राम का एक्टर किया, एक्टिंग किया, किसी ने मान लो कृष्ण का एक्टिंग किया, फिर से आगे किसी ने रामकृष्ण का एक्टिंग किया, फिर से किसी ने कृष्ण का किया, तो अभी क्या होता है, जैसे जैसे कला में निपुण होते जाते हैं, पीछे की जो फिल्में रहती हैं और नई फिल्म आती है तो हम बोलते हैं, वो एक्टर खुद ही बोलते हैं, इस फिल्म में मेरा बहुत अच्छा काम हुआ है, मैंने बहुत अच्छे से काम किया और इसमें बहुत ही मज़ा आया, तो वो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने जो पहले किया बेकार है, उस समय में वो बहुत अच्छा था, किंतु आज की डेट में वो भी मेरे को एक्सपीरियंस मिला, अभी इसमें भी बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। तो वही है, इसका मतलब ये नहीं है कि पुराने अवतार खराब हैं या पुराने एब्सोल्यूट हैं, नहीं, इसका अर्थ यह है कि इस अवतार में भी उन्होंने और भी अच्छा तरीके से संदेह मुक्त किया है जो संदेह युक्त थे। बोलते हैं स्वेच्छाए संदेह युक्तो मने आपनार स्वेच्छाए करें मुक्तो खेलिया आवार। वो खेल खेल में संदेह मुक्त करते हैं, जैसे कृष्ण मिट्टी खा लिया, मिट्टी का ढेला खा लिया, किसी ने खाया बचपन में, नहीं खाया, कोई नहीं बोल सकता नहीं खाया, खाया मैंने भी खाया, तो चूना में जैसे चाट लिया, स्कूल में जाते थे वो जो बढ़ता रहता है वो क्या बोलते हैं चौक रहता है, बीच बीच में खा लेते हैं, तो वही है श्री कृष्ण ने खा लिया, हमारी माँ ने तो नहीं बोला मुँह खोल दिखा के, तो कृष्ण ने देख, कृष्ण की माँ ने बोला दिखा, और वो इतने नटखट हैं, माँ ने माखन नहीं खाया तो वो उसको भी बोलेगा मिट्टी नहीं खाया, और वो खोल के देखती हैं पूरा ब्रह्मांड देखती हैं, कितना आश्चर्य है। स्वेच्छाएँ संदेह जुक्तो मने आपनार स्वेच्छाएँ करें मुक्तो खेली आवार। कितनी सुंदर ये पंक्ति है, फिर कभी और भी आप स्वयं इसकी चिंता करेंगे और आनंद पाएंगे। बोलते हैं जुक्तो मुक्ते जहाँ हुए लीला आचरण ताहे करे जगते संदेह मोचन। बहुत सुंदर पंक्ति है, बोलते हैं जुक्त और मुक्त दोनों ही उनकी उनकी लीला है, उनका खेल है। वो बोलते हैं ना ठाकुर वो गाना गाते थे कि ये जो है गुड़ी उड़, माँ जो है पतंग उड़ा रही है, और जैसे ही कोई पतंग कटती है क्या ताली बजाती है, बहुत जोर से ताली बजा के नाचती है। तो वही है मुक्त करती, खुद ही स्वयं ही है जो पतंग उड़ा रही है, स्वयं ही है जो डोर पकड़ रही है, स्वयं ही हवा है, स्वयं ही पतंग है, और पतंग जैसी कटती है खूब आनंद करती है, वही है। बोलते हैं अवतारे हेनो शक्ति वर्तमान रहे सृष्टि गोटा आगा तार नत शिरे बहे। बड़े मजे की बात है कि अवतार पुरुषों में ऐसी शक्ति रहती है, इतनी शक्ति रहती है कि सृष्टि स्वयं उनके चरणों में लोटपोट होती रहती है, वो उनकी आज्ञा पालन करने के लिए खड़ी रहती है। जैसे ही अवतार पुरुष को संदेह हुआ, साथ के साथ ये संदेह वे स्वयं मुक्त हो गए, और यही मुक्त होने के कारण दूसरे को कन्विक्शन के साथ
प्रामाणिकता के साथ उनको बोलते हैं, मैंने तुमको उस दल में देखा। उनके लिए वो दर्शन कोई भ्रम नहीं है। हमको अगर कुछ ऐसा दर्शन, हम सोचें अरे ये क्या वहाँ कुछ है ना क्या, सचमुच हम देखेंगे, टॉर्च लगा कर देखेंगे, ईश्वर भी आकर देखेंगे, क्या वो ऐसा कुछ है ना क्या, तो उनको संदेह नहीं है, उनको वो दर्शन दर्शन के जैसे दिखाई देता है। बोलते अवतार है नो शक्ति वर्तमान रोहे सृष्टि गोटा आगा तार लतशिवे गोहे। कितना सुंदर है। फिर आगे और मजा है कि चेतन कीवा जड़ सकले समान प्रभु लीलाए पावे बहुल प्रमाण। लीला ये पुंथीकार स्वयं ही इसके बारे में बोलते हैं कि अरे इसका मैं क्या प्रमाण दूं, तुम तो प्रभु की लीला पढ़ो, जड़ और चेतन सभी उसके प्रमाण दे रहे हैं। बोलते हैं नेक्स्ट पेज पे 33 नंबर पेज पे सुख आध्यात्मिक शक्ति आवर्तन जा घुरीते छे चिरकाल सृष्टिर संसार। यह एक बड़े मजे की बात है। बंगला भाषा में शंग बोलते हैं, जैसे हम वो ताश के पत्ते में जोकर देखते हैं ना, तो जोकर को उसमें बंगला भाषा में शंग भी बोलते हैं। जो बंगाली हैं वो जानते हैं कि शंग बोलते हैं। तो इस शंग थे कि ये संसार सृष्टि, माने जो जोकर से इस संसार की सृष्टि, ये बड़े मजे की बात यहाँ आती है। सुख आध्यात्मिक शक्ति आवर्तन जार घुरीते छे चिरकाल सृष्टिर संसार। तो जिनकी आध्यात्मिक शक्ति, जिसके बारे में हम क्या बोलें, वो इतनी जोरदार है कि सृष्टि उसका अनुकरण करती है और ये संसार जो है उसके पीछे दौड़ता हुआ दिखाई देता है। संसार कह सकते हैं ये भेल की बाजी, श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं जादूगरी, जादूगर की जादूगरी, वो भेल की बाजी उसी के चारों ओर घूम रही है। से हेतु आचार्य रूपी अवतारगण सीखिया सिखान जीवे उद्धार कारण। अभी मान लीजिए कोई मैथमेटिक्स का टीचर है, कोई फिजिक्स का टीचर है, या अगर कोई है, अगर उन्होंने अपने कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई नहीं की तो पक्का मान लीजिए अपने खुद के जो स्टूडेंट रहेंगे उसको वो ठीक से सिखा नहीं पाएंगे। तो वही यहाँ है, जो ठीक ठीक आचार्य होने होते हैं उनको अपने जीवन में, अब बोलते हैं ना एक्सपीरियंस इज द माई गुरु, एक्सपीरियंस इज माई पावर। एक्सपीरियंस कैसे होता है, हम लोग अपने जीवन में देखते हैं कितनी बार असफल होते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं, वही गिरने पड़ने के एक्सपीरियंस से हम लोग चलना सीखते हैं। छोटा बच्चा भी जब सीखता है बैलेंस बनाना नहीं जानता है, वो गिर गिर के बैलेंस बनाना सीखता है। साइकिल जो चलाना हम सीखते हैं, गिर गिर के साइकिल चलाना सीख, कितनी बार आपका घुटना टूटा होगा, सच सच बताइए, जरूर एक दो बार तो जरूर टूटा होगा। तो वही है, तो कुछ सीखने से पहले बहुत कुछ इस प्रकार के संदेहों से जाना पड़ता है। विनाशिते तमो संदो, फिर संदो, असंदो माने संदेह, लोचन आधार चैतन्य आलोके देखे इष्ट अपना। हमारे लिए जो संदेह है, हमारे लिए जो तमस है, जो हमारे लिए हमारी आंखों के सामने अंधकार के रूप में है, ईश्वर जो है अपने स्वयं के चैतन्य के आलोक में उसको देखते हैं और हमारे संदेह को मिटा देते हैं। प्रबल पाश्चात्य शिक्षा ये भी वर्तमाने जड़वादी अवतार आदते न माने। आजकल की शिक्षा भी हम देखते हैं, उस समय भी ऐसी बात थी, आजकल की शिक्षा भी ऐसी है कि अवतार गॉडमैन ये सब मानना आजकल की भावना में नहीं है। और आजकल क्या मिलावट का ज़माना है, बहुत कुछ मिलावटी बातें भी हम लोग देखते हैं, गॉडमैन में भी बहुत सारी मिलावटी हैं, गॉडमैन के साथ साथ वो संसारिक मैन भी हैं, तो बड़ी मन में दुविधा हो जाती है, इसको मानूं न मानूं, या धिक्कार करूं या तिरस्कार करूं या पुरस्कार दूं, कुछ समझ में नहीं आता है। तो वही है, शिक्षा ऐसी हो जाती है कि समझ में नहीं आता मैं क्या करूं भाई। तो वही है, सभी के लिए ये परेशानी रही है, उस समय भी ये परेशानी रही है, किंतु श्री रामकृष्ण देव विश्व गुरु रहे हैं, वो क्या करते हैं, इन संदेहों को स्वयं ही उपजा रहे हैं, स्वयं ही लोगों को दिखा रहे हैं ये संदेह है, और इस संदेह का ये जो उपशम करने के लिए ये इसका उत्तर है। तो ए परफेक्ट गुरु हाउ ही कैन बी, श्री रामकृष्ण देव के जीवन में देखने को मिलता है कि वे स्वयं सीखते हैं, जैसे ही सोचते हैं कि मुझे इस धर्म में क्या है सीखना है जानना है, वैसे ही गुरु हाजिर। तो उनके शुद्ध संकल्प में जैसा भी कुछ संदेह आता है साथ के साथ पूर्ण होता है, और वही कारण है कि उनके पास जो भी आए, जिस किसी मत का व्यक्ति आता है वो देखता है कि श्री रामकृष्ण देव उन्हीं के उसी भाव से उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। अभी यहाँ ये बात हो गई कि
अवतार पुरुष जो है चैतन्य महाप्रभु, वो उनके दिमाग में जो संदेह था वो पूर्ण हो गया, मिल गया, उत्तर मिल गया। क्यों? कुंतीकार आगे बताते हैं, रामे कृष्ण ने यद्यपि कहारे हो पिछु भक्ति गौरांग अवतारे कोरे भीषण आपत्ति। पहले ये है कि जब श्री, जैसे अभी हम लोग श्री रामकृष्ण देव को अवतार बोलते हैं, किंतु हो सकता है बहुत सारे लोग नहीं भी माने, और समय जाने, समय अंतराल के बाद जब ये प्रमाणिकता हो जाती है तब हो सकता है कि अच्छे से माने। जैसे उस समय राम और कृष्ण के प्रति लोगों की भक्ति है, किंतु चैतन्य महाप्रभु के प्रति अभी भी लोगों का संशय था, वो संशय श्री रामकृष्ण देव के जीवन में इस प्रकार का दर्शन आने से मिट गया, ये बात कुंती का बोलते हैं। फिर बोलते हैं, ताई लीला छले कोरी गौरांग दर्शन करिलेन जगतेर संदेह भंजन। तो जगत का जो संदेह है उसको वो नाश करते हैं, और उनकी ये लीला जो पुण्यमयी है, इसको सुनने, समझने, पढ़ने से हमारे भी संदेह का नाश होता है। बोलते हैं, संशय राक्षस, हमारे जो संशय राक्षस है, हमारे संशय हमारे ही मन को खा जाते हैं, उसके नाश करने वाले श्री प्रभु की हम भजना करते हैं। मैं प्रत्येक बार सोचता हूँ, ये दो या तीन पेज होते हैं, 18-19 पंक्तियाँ होती हैं, और भी कर लूँ, और भी कर लूँ। मैं पढ़ता हूँ तो बहुत मज़ा तो आता है, और भी विचार आते हैं करूँ, किंतु जब इसकी व्याख्या करते तो यहाँ बैठे बैठे और भी नए विचार आ जाते हैं। अभी पहले मैं 5-6 पेज कर लिया करता था, अभी 2 या 3 पेज से भी आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो कभी जैसे श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं कि जब भाव होता है तो कैसा होता है, जो पंक्ति बोलते हैं, नीताई अमार माताल हाथी, वो एक पूरी बात बोलते हैं, नीताई अमार माताल हाथी। नीताई माने महाप्रभु के लिए बोल रहे हैं, वो जब नाच कर रहे हैं तो वो माताल हाथी के रूप में, जैसे अंदर में एक हाथी अंदर में नाच करता है तो जैसे हमारे शरीर मन प्राण से फट के निकल जाएगा, तो वैसे ही होता है। जब सचमुच में आनंद का भाव आता है तो और कुछ बोल नहीं पाता, ऐसा होता है। उपनिषद में भी आता है, वो वहाँ पे बोलते हैं हा वो उपनिषद भी व्याख्या नहीं कर पाता है, उसमें बोलते हैं आश्चर्य जैसे आ करके देखे जा रहे हैं। तो वही है, जितनी हम उसमें रस में डूबते जा रहे हैं, देखते हैं कि एक एक पंक्ति में इतने विचार आ जाते हैं जो हमारे मन को और निर्मल करते हैं, पवित्र करते हैं। आशा है सभी को इससे आनंद हो रहा होगा, आनंद नहीं हो तो निरानंद में नहीं बैठे रहना, भगवान के नाम का जप करते रहना। भाई ठाकुर जी सामने बैठे हैं, उनको प्रार्थना करना कि इसको चुप करो तो मैं तुम्हारे से बात करूं, तो वो मेरे लिए भी और आपके लिए भी सुगम रास्ता है प्रार्थना। आइए उनके साथ, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आ चंडाला प्रतिहत रयो यस्य प्रेमा प्रवाहो लोकातीतो प्यह प्रथितपुरुषो राम कृष्ण
ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आइए हम लोग पहले भगवान श्री रामकृष्ण देव का ध्यान मंत्र का पाठ करते हैं। हृदय